फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं सबरेस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ एक खसूस इंटरव्यू में मौजूद है मारूफ आलिम दीन मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्दअमल आ रहा है और मुस्लिम वोटों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी पर जहाँ ये इल्जाम लग रहा था कि वो तने तनहा लीडर बनना चाहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों से मशवरा नहीं करते हैं, उसका जवाब देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो उलमा जो दानिश्वरान हमारे खिलाफ हैं उन्हें हम मुलाकात करने की दावत देते हैं। और इसी बुनियाद पर आज हम बातचीत करेंगे मौलाना सज्जाद रुमानी साहब से, लेकिन अब पहले सुनिए यहाँ पर क्या कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूँ और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर ले, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करेंगे। मगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक एमएलए है, उसको आप ढकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है, ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई एमआईएम पार्टी लड़ रही है, आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। आप बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनके वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों